Hello all, welcome to the video lecture series of integrated circuit. Subject code is KEC501 and here we are in lecture number 0. So basically this is called lecture number 0 because yahan pe hum baat karne wale hain ki what is the syllabus and what is the course outcome of this particular subject. सिलेबस के बारे में बात करेंगे और कोर्स आउटकम के बारे में बात करेंगे कि आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स व्हाट यू विल बी एबल टू डू, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कोर्स. कोर्स इज व्हाट? इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज सब्जेक्ट कोड इज KEC501. तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स कि इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड मतलब होता है कि एक साथ, और सर्किट का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट, मतलब मैं डिफरेंट आईसीज को आप कह सकते हैं, डिफरेंट अगर मैं डिजिटल के रेस्पेक्ट में बात करूं आपके, तो डिजिटल में आपने डिफरेंट डिफरेंट गेट्स पढ़े हैं, तो अगर आप डिफरेंट गेट्स को एक साथ कंबाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सर्किट, दैट इज कॉल्ड CLC, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट. सो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में भी आपके, अगर हम उसको आईसी में कन्वर्ट कर दें तो दैट मीन्स अगर हम नंबर ऑफ गेट्स जो है एक साथ किसी डिवाइस के ऊपर लगा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ इंटीग्रेटेड सर्किट. ठीक है, लाइक आपने आईसी की बात अगर मैं करूं, आपने 7400, दिस इज द एंड गेट आईसी, दिस इज द एंड गेट आईसी. अगर आपने इसकी याद हो आपको तो दिस इज अ 14 पिन आईसी. 14 पिन में इसमें कितने गेट होते थे? इसमें आपके 4 एंड गेट्स आर अवेलेबल. सो बेसिकली क्या हुआ, 4 एंड गेट को कंबाइन करके आपने एक एंड गेट आईसी बनाई है, दैट इज कॉल्ड द आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट. ओके, तो यहाँ पे आईसी में जो हमारा मेनली जो कंपोनेंट जो आप कह सकते हैं जो बेस है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन शॉर्ट ऑपएम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो इसमें पूरा का पूरा जो एक तरह से सब्जेक्ट आपका डिजाइन हुआ है उसमें आप मोस्टली ऑपएम्प बेस्ड ही सर्किट एनालिसिस करने वाले हो. एनालिसिस में 3 थिंग्स आर देयर. 1 इज सबसे पहले आपका सर्किट, ओके, जो कि ऑपएम्प बेस्ड होगा. उसके बाद उस सर्किट की वर्किंग, ठीक है, अगर मैंने कोई सर्किट का नाम दिया तो वो नाम, मतलब वो जस्टिफिकेशन कैसे आएगा, वो जस्टिफिकेशन आएगा वर्किंग से. ओके, एंड देन वर्किंग में ही हम लोग, वर्किंग का ही एक अनदर पार्ट होता है, एक तो आपकी थ्योरेटिकल वर्किंग होती है, एक अनदर पार्ट होता है उसका डेरिवेशन पार्ट, डेरिवेटिव, यानी कि आउटपुट कैलकुलेशन, जिसमें हम बोलते हैं आउटपुट कैलकुलेशन. सो अगर आप आउटपुट को कैलकुलेट कर लेते हैं तब भी हम वहां से वेरीफाई कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा सर्किट जो है वो किस पर्टिकुलर वर्क के लिए फंक्शनिंग कर रहा है. ओके, जैसे हम बात करेंगे इनवर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर, देयर आर सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन लाइक फिल्टर. सो हमारा जो हमने सर्किट वहां पे ड्रॉ किया है वो सर्किट उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है. सो एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी वहां पे यूज होता है जिसे हम बोलते हैं आउटपुट कैलकुलेशन, और एक होती है हमारे सिंपली वर्क. ओके, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, व्हाट इज द 5 यूनिट्स कंटेन्स. तो सबसे पहले यूनिट जो हमारी आएगी दैट इज योर 741 आईसी, जो कि ऑपएम आईसी का नंबर है. जैसे मैंने आपको अभी बताया 7400 इज योर एंड गेट आईसी, सिमिलरली यहाँ पे 741 आईसी इज कॉल्ड द ऑपएम आईसी. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखेंगे जनरल ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्टेजेस, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम. उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती है, देयर आर मल्टीपल स्टेजेस लाइक इनपुट स्टेज, बायस सर्किट, सेकंड स्टेज, द आउटपुट स्टेज, शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन सर्किटरी क्या होती है, क्यों रिक्वायर्ड होती है, देन व्हाट आर द डिवाइस पैरामीटर्स ऑफ योर ऑपएम. जब हम इसके बाद हम देखेंगे जब हम डीसी या एसी सप्लाई ऑपएम के इनपुट पे अप्लाई करेंगे, ऑपएम एक ऐसा एम्पलीफायर है जो कि डीसी और एसी दोनों को एम्पलीफाई करता है. सो जब हम यहाँ पे डीसी या एसी अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम उसके एनालिसिस करेंगे कि इनपुट स्टेज का क्या एनालिसिस आता है, सेकंड स्टेज पे क्या होता है, आउटपुट स्टेज पे क्या होता है, व्हाट इज द गेन ऑफ दैट ऑपरेशनल एम्पलीफायर, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ 741, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन कर्व. ओके, गेन वर्सेज फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. आप डिटेल में स्टडी करेंगे. देन अ सिंप्लीफाइड मॉडल दैट इज अ स्लू रेट. स्लू रेट क्या होता है, दैट इज अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर ऑपएम्प. And then the relationship between the frequency response and the slew rate. Frequency response और slew rate में क्या relation है? Okay. Then यहाँ पे जो basically first unit है थोड़ा operational amplifier का in detail analysis है. तो अगर हम इसके outcome की बात करेंगे तो इसका outcome आएगा कि आप पूरा का पूरा op amp किस तरह से हम analysis कर रहे हैं, आप उसकी complete analysis सीख जाएंगे. Okay. सिमिलरली इसके बाद जो हमारा शुरू होता है दैट इज कॉल्ड, जो मैं पहले बात कर रहा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड सर्किट.
ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड सर्किट, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एप्लीकेशन. सो सबसे पहले जो सेकेंड यूनिट आएगी दैट इज अ लीनियर एप्लीकेशन, लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ऑपएम्प, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपएम्प का. इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करूंगा ऑपएम्प क्या है, ऑपएम्प का बेसिक ब्लॉक डायग्राम, ऑपएम्प के बेसिक जो हमारे पास एप्लीकेशन होती है लाइक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग है, देन उसके बाद समर है, देन उसके बाद आपका सब्ट्रैक्टर है. तो दीज आर द बेसिक जो आपने पहले भी प्रीवियस सब्जेक्ट में पढ़ी होंगी, हम यहाँ पे उनका रिकैप करेंगे. देन उसके बाद हम मेनली यहाँ पे जो लिखा है उस पर आएंगे, दैट इज VI कन्वर्टर, IV कन्वर्टर्स, वोल्टेज टू करंट एंड करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर्स. देन वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज योर IA, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर. इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या है, क्यों यूज होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे. आफ्टर दैट जनरलाइज इम्पीडेंस कन्वर्टर, एक सर्किट हम लोग एक मतलब एक तरह से आप सर्किट बोल सकते हैं जो कि कन्वर्टर के रूप में यूज होता है, जो कि आपके इम्पीडेंस को कन्वर्ट कर देता है, मतलब इक्विवेलेंट इम्पीडेंस को कन्वर्ट करेगा. देन उसी से हम बनाएंगे सिमुलेशन ऑफ इंडक्टर्स, कि हम उसी सर्किट को इंडक्टर के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज एक्टिव फिल्टर्स. फिल्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिल्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं. तो यहाँ पे आपके सिलेबस में चार तरह के फिल्टर आएंगे, वन इज कॉल्ड लो पास, वन इज कॉल्ड हाई पास, वन इज कॉल्ड बैंड पास एंड वन इज कॉल्ड बैंड स्टॉप. ठीक है, दे आर मेन फोरली फिल्टर्स, लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप. इन सभी में, सभी फिल्टर्स में मेनली तीन तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं. एक इसका वही जो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, एक सर्किट आता है, सर्किट से आपको आउटपुट वोल्टेज ड्राइव करनी होती है, दैट इज अ मैथमेटिकल पार्ट. और देन द डिजाइनिंग पार्ट, जिसमें आपको न्यूमेरिकल आप एज्यूम कर सकते हो कि आपको किस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है. ठीक है, इन चार फिल्टर के अलावा यहाँ पे आप एक और फिल्टर पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑल पास फिल्टर एंड वन इज योर KHN फिल्टर. KHN फिल्टर जो है वो इन सारे फिल्टर्स को बना सकता है, इसलिए आप इसे यूनिवर्सल फिल्टर के तौर पे भी याद रख सकते हैं. जैसे कि हमने यूनिवर्सल गेट्स पढ़ा था, तो यहाँ पे एक तरह से KHN फिल्टर उसी तरह हमारा यूज होता है. ओके, तो दीज आर कॉल्ड लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ऑपएम्प्स. सिमिलरली यूनिट नंबर 3 में जो आप देखेंगे वो देखेंगे नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ऑपएम्प. ठीक है, नॉन लीनियर एप्लीकेशन में कौन सा आएगा, हम लॉग एम्पलीफायर क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ऑपएम्प, हम एंटी लॉग एम्पलीफायर बना सकते हैं यूजिंग ऑपएम्प आईसी, जिसके साथ हमें डायोड और बीजेटी का यूज करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायोड और बीजेटी, लॉग और एंटी लॉग एम्पलीफायर आप सीख पाएंगे डायोड और बीजेटी का यूज करके. देन देयर अनदर एप्लीकेशन इज पीक डिटेक्टर. पीक डिटेक्टर आप लोग देखेंगे, पीक डिटेक्टर क्या होता है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट्स क्या होते हैं, ऑपएम्प को मैं कंपैरेटर की तरह कैसे यूज कर सकता हूँ. कंपैरेटर मींस कि दो इनपुट अगर आपके पास है तो कौन सा, दोनों इनपुट इक्वल हैं या पॉजिटिव टर्मिनल पे ज्यादा वोल्टेज है, नेगेटिव टर्मिनल पे ज्यादा वोल्टेज है, वो सब हम यहाँ पे एज ए कंपैरेटर देखते हैं. सिमिलरली कंपैरेटर में ही एक एप्लीकेशन आप लोग स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर. ओके, देन व्हाट इज ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है, ट्रायंगुलर वेव हम कैसे जनरेट करते हैं, एनालॉग मल्टीप्लायर्स क्या है और उनके एप्लीकेशंस क्या है. सो दीज ऑल आर सेपरेट इंडिविजुअल टॉपिक्स बट बेस्ड ऑन द सिमिलर वे, दैट इज कॉल्ड आईसी ऑपएम्प. ऑपएम्प के ऊपर ही सारे सर्किटरी बेस्ड हैं, सब में मुझे एक ही काम करना है, क्या, सबसे पहले सर्किट पता होना चाहिए टॉपिक के ऊपर. जैसे अगर मैं पीक डिटेक्टर की बात करूं तो इसका एक सर्किट आपको बनाना होगा, सर्किट हो जाएगा जो कि पीक को डिटेक्ट करेगा. कैसे डिटेक्ट कर रहा है, इट इज कॉल्ड द वर्किंग. ठीक है, और वर्किंग में अगर मैथमेटिकल डेरिवेशन है, मैथमेटिकल डेरिवेशन का मतलब है कि आपका आउटपुट कैलकुलेशन, तो वो आपको और इजी लगेगा अगर आपके पास आउटपुट कैलकुलेशन है तो. ठीक है, सो दीज आर द 3 यूनिट्स. नंबर 1 इज द बेसिक ऑपएम्प, नंबर 2 इज द लीनियर एप्लीकेशन, देन द नॉन लीनियर एप्लीकेशन. सिमिलरली यूनिट नंबर 4 में जो हम बात करेंगे, नाउ वी कॉल द डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन. ठीक है, हम कुछ डिजिटल सर्किट की बात करेंगे, तो डिजिटल सर्किट में जो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाता है, सबसे पहले बोला जाता है, दैट इज योर CMOS लॉजिक गेट. आपने CMOS, PMOS और NMOS कहीं पे स्टडी किया होगा, NMOS एंड PMOS के बारे में. तो यहाँ पे आप लोग इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री MOS, CMOS. तो हम CMOS के बारे में बात करेंगे, CMOS का लॉजिक गेट सर्किट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, CMOS के थ्रू मैं NAND और NOR गेट या इन्वर्टर गेट कैसे बना सकता हूँ. ठीक है, NAND गेट, NOR गेट, AND गेट और गेट इन्वर्टर, मतलब सारे के सारे गेट्स हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द CMOS स्ट्रक्चर. ठीक है, आज की डेट में जो हम लो पावर की बात करते हैं, जो जितने सर्किट्स की बात करते हैं, सारे के सारे CMOS बेस्ड हैं, बिकॉज CMOS रिक्वायर्स अ वेरी लो पावर टू बिल्ड दीज सर्किट. ठीक है, देन उसके बाद आप लोगों ने ये टर्म पहले भी डिजिटल में पढ़ी है, लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप. तो लैच क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, वो सब आपने पहले ही पढ़ा है, बट हम यहाँ पे उन्हीं सेम सर्किट का, जैसे अगर मैं लैच की बात करूँ, तो लैच आपने कुछ ऐसा पढ़ा था लाइक अ NOR गेट और अ NAND गेट. ठीक है,
लाइक एन इसका आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज अ क्रॉस कपलिंग कनेक्शन, तो दिस इज अ सिंपल लैच, तो यहाँ पे सेम लैच सर्किट होगा, बट इस लैच सर्किट का हम सीमॉस रिलेशन देखेंगे, सीमॉस रिलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ा है, आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप का जेके फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ा है, डी फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ा है, तो इन सभी को मुझे किससे बनाना है, इन सभी को मुझे सीमॉस से बनाना है। तो अगर एक बार मैं सीख जाऊंगा कि सीमॉस से नॉर गेट को हम सीमॉस से कैसे बनाते हैं, नॉर रिलेशन यूजिंग सीमॉस, तो अगर आपको नॉर गेट बनाना आता है तो बेसिकली इस लैच के अंदर यूज क्या हो रहा है, इस लैच के अंदर दो नॉर गेट ही आपके यूज हो रहे हैं जिनको आपको सीमॉस से रिलाइज करना है। सो अगर सिंप्लिसिटी की बात करूं तो ये यूनिट मुझे सबसे ईजी लगती है, मतलब बहुत ईजी भी है और मेनली है कि आप इजिली समझ पाएंगे, क्योंकि बिकॉज लैचेज ऑफ फ्लिप फ्लॉप आपने पहले ही पढ़ा होता है। बट डिसएडवांटेज के बारे में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे ये जो फ्लिप फ्लॉप वाली चीज है, फ्लिप फ्लॉप को सोच के सब लोग सोचते हैं फ्लिप फ्लॉप तो पहले भी नहीं समझ में आया था, बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज योर डी टू ए कन्वर्टर्स और ए टू डी कन्वर्टर्स, जो आके आपने पहले सेकेंड ईयर में पढ़े हैं, तो वही यहाँ पे सेम है। दैट इज बाइनरी वेटेड रजिस्टर होता है हमारे पास, आर टू आर लैडर नेटवर्क होता है, दैट इज कॉल्ड डी टू ए कन्वर्टर्स। और ए टू डी कन्वर्टर में हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल स्लोप सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप फ्लैश कन्वर्टर। बट हियर द मेन थिंग इज कि जो भी हमें यहाँ पे डी टू ए या ए टू डी कन्वर्टर पढ़ने हैं, दीज ऑल आर ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड, ओके। हमें कोई भी अदर देन ऑपएम्प सर्किट यूज नहीं करना है, कि अगर हमने कोई भी डी टू ए एम्पलीफायर पहले पढ़ा था जिसमें ऑपएम्प का यूज नहीं हो रहा हो, तो वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, ओके। देन उसके बाद इस यूनिट का नेक्स्ट मेन टॉपिक आएगा, दिस इज योर 555 टाइमर। आप यहाँ पे 555 टाइमर की बात करेंगे, और 555 टाइमर दिस इज यूज टू जनरेट अ पर्टिकुलर टाइम डिले, एक पर्टिकुलर डिले को जनरेट करने के लिए मेरा 555 यूज होता है, तो हम 555 की बात करेंगे। देन इसी 555 में हमने मोनस टेबल और एस टेबल, जो कि दो तरह के मल्टीवाइब्रेटर हैं, हमने यूनिट नंबर 3 में भी पढ़ने हैं, दैट इज अ नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प। बट वहां यूनिट नंबर 3 में अगर मैं बात करूं, तो यूनिट नंबर 3 में हमने इसको बनाया है यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, लाइक सी एस टेबल एंड मोनस टेबल आर ऑल्सो देयर, यहां हम बनाएंगे यूजिंग ऑप एम्प। बट इन यूनिट नंबर 5 हम एस टेबल मोनस टेबल को बनाएंगे फॉर यूजिंग द 555 टाइमर आईसी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, पेपर में भी अगर पर्टिकुलर वे से पूछा जाता है कि डिजाइन ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर या एक्सप्लेन ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर, तो मुझे 555 टाइमर की हेल्प से ही इसे बनाना होगा, ओके। एंड द लास्ट इज अ न्यू टॉपिक, दिस इज अ पीएलएल फेज लॉक लूप, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम, और ये एक्सओआर गेट और मल्टीप्लायर एज अ फेज डायरेक्टर मींस एप्लीकेशन ऑफ पीएलएल क्या होती है, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल पीएलएल टॉपिक। सो दीज ऑल आर योर यूनिट 5, बट इसमें जो मैं आपका सीक्वेंस रखूंगा, इसमें मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि सेकेंड यूनिट से हम लोग स्टार्ट करते हुए चलेंगे, फर्स्ट यूनिट को सबसे लास्ट मिलेंगे, बिकॉज दिस इज अ एनालिसिस पार्ट, तो इस एनालिसिस में काफी लेंदी हो जाता है, थोड़ा समझने में भी आपको टिपिकल लग सकता है, तो इसलिए मैं फर्स्ट यूनिट को सबसे लास्ट में लेके चलेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट से, दैट इज कॉल्ड लीनियर एप्लीकेशन ऑफ आईसी ऑप एम्प। तो मैं यहाँ पे आपको ऑप एम्प का जनरलाइज डायग्राम, बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ऑप एम्प की बेसिक एप्लीकेशन लाइक इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, उनके बारे में पहले बात करूंगा, देन कम्स टू द मेन टॉपिक वी टू आई एंड आई टू बी कन्वर्टर्स, ओके। देन फाइनली what is the textbooks and reference book required for this syllabus, so jo aapke syllabus mein prescribed hai, that is the Sedgwick Smith microelectronic circuit 6th edition Oxford University Press, ye aapne shayad pehle bhi padhi hai apne electronics devices subject mein, Sedgwick Smith, ek jo maine book yahan pe add on kari hai, this is your linear integrated circuit by D Roy Choudhury, theek hai, yahan pe jo naam hai circuit ka, naam hai jo subject ka, that is integrated circuit, aur jo book ka naam hai, this is your linear integrated circuit by D Roy Choudhury। इस बुक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नेट पर इजिली मिल जाती है, और इसमें भी आपको सारी जो मोस्टली सिलेबस है वो हमारा कवर अप मिल जाएगा। देन दीज आर द रेफरेंस बुक्स आर देयर, जैकब है, मैनी है, मिलमैन है, एंड रजावी है, दीज आर द रेफरेंस बुक यू कैन टेक फॉर द रेफरेंस, अदरवाइज दीज टू बुक्स आर सफिशियंट, ओके। देन द लास्ट वन फॉर दिस लेक्चर इज द कोर्स आउटकम। नाउ आफ्टर लर्निंग दिस सिलेबस या आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सब्जेक्ट, what are the outcome required या what will you learn? So अगर मैं first unit की बात करूँ, तो जैसा कि मैंने बोला था, first unit के अंदर आप op amp की complete analysis करना सीख जाएंगे, तो this is the outcome of your first outcome of your subject, that is complete analysis of op amp 741 IC। then second में हमने बोला है कि क्या कहते हैं, आप op amp based circuit बनाएंगे, that is your basic linear circuits and basic component of IC such as various type of filters के बारे में आप वहाँ पे study करेंगे, तो आप filters कैसे बनाते हैं, कौन कौन से ऑप एम्प बेस्ड लीनियर सर्किट्स होते हैं, वो आप यहाँ पे सीख जाएंगे। देन द थर्ड वन इज
the op-amp based non-linear and wave shaping circuit. आप op-amp based पे non-linear circuit like peak detector, sample hold या different types of non-linear circuits आप उनको सीखेंगे और साथ ही साथ wave shaping circuit क्या होते हैं, like triangular wave generators हैं, sine wave generators हैं, इस type के आप wave shaping circuit सीखेंगे. Then another outcome is you will learn about CMOS digital integrated circuit and digital memory circuits. कौन कौन से हमारे जो डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं बेस्ड ऑन सीमॉस, लाइक NAND गेट बनाने, NOR गेट बनाने, लैचेस मुझे फॉर्म करने हैं, फ्लिप फ्लॉप मुझे फॉर्म करने हैं, दैट इज कॉल्ड मेमोरी सर्किट. सो हम इनके बारे में पूरा का पूरा सीख जाएंगे. एंड द लास्ट वन इज यू विल गेन द नॉलेज अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डेटा कन्वर्टर्स, ए टू डी और डी टू ए कन्वर्टर्स, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसी सच एज 555 टाइमर एंड PLL. हम इनके बारे में सीखेंगे और डेटा कन्वर्टर्स के बारे में सीख जाएंगे. ओके, सो होप यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट. और एक ही रिक्वेस्ट है कि क्या कहते हैं, ये सब्जेक्ट वन बाय वन, लेक्चर बाय लेक्चर आप स्टार्टिंग से पढ़ें, क्योंकि बीच का अगर आप कोई भी पार्ट मिस करते हैं तो शायद आपको बाद में पोर्शन समझने में प्रॉब्लम होगी, स्पेसिफिकली विद इन द यूनिट. और जैसे कि मैंने बोला, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट लगभग एक ही चीज पे डिपेंड करता है, दिस इज योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो अगर आपने बेसिक ये यूनिट नहीं कर पाए, अगर आप पहले इस यूनिट को नहीं करेंगे तो आप एक बेस डेवलप नहीं कर पाएंगे. अब बेस डेवलप नहीं होगा तो हर एक जगह मैं एक ही बात बोलूंगा कि बार बार मुझे वही स्टेप रिपीट करने हैं, और फिर आप उन स्टेप को अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डैट मीन्स आपको वापस इस यूनिट पे आना पड़ेगा. ओके, सो बी विद मी और वन बाय वन लेक्चर को स्टडी करते चलिए. बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ईजी भी लगेगा. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द गेट ऑल्सो. यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एज इट इज गेट में पूछ लिए जाते हैं. ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हम स्टार्ट करेंगे जहां पे यूनिट नंबर 2. ओके, थैंक यू.